both expressions were equivalent to each other, but in this case this is not going to be the case. So हम इसको भी चेक करके देख लेते हैं. S at 0 plus S at 1, this will give us two characters A and E as we said earlier. और अगर हम S 0 plus 1 करें तो ये 0 plus 1 plus होके 1 ही बनेगा और ये फर्स्ट लोकेशन पे पड़े हुए करेक्टर को एक्सेस करेगा विच इज E. सो ये केस इक्विवेलेंट नहीं है. दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन. आगे चलते हैं. दैट इज एस एट वन. एस एट वन हम जानते हैं दिस विल गिव अस वन, हमें देगा ये करेक्टर E. और उसके बाद है S प्लस आई टी वाई एट वन. सो अगर हम S एट वन लिखते हैं तो हमें E मिलता है. और अगर हम S प्लस आई टी वाई कर दें और फिर इसके पहले करेक्टर को एक्सेस करें तो जवाब इट विल स्टिल बी द सेम, वही आएगा. तो बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों केसेस बराबर हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकता है कि फ़र्ज़ करें S एक ही करेक्टर है A. इस केस में जब हम S ऑफ वन लिखते हैं तो हमें एरर आता है बिकॉज S ज़ीरो तो है हमारे पास, ज़ीरोथ लोकेशन, लेकिन फर्स्ट लोकेशन चूँकि करेक्टर एक है तो फर्स्ट लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें एरर मिलता है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. हाउएवर इस केस में अगर हम S प्लस आई टी वाई एट वन करें तो हमें, अब चूंकि S प्लस आई टी वाई हो गया तो S में सिर्फ A था, तो अगर हम इसमें आई टी वाई ऐड कर लें तो S क्या बन जाएगा, A आई टी वाई. तो इसमें जीरोथ लोकेशन पे A पड़ा हुआ है, फर्स्ट लोकेशन पे I पड़ा हुआ है, सेकंड लोकेशन पे T पड़ा हुआ है और थर्ड लोकेशन पे Y पड़ा हुआ है. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस इक्विवेलेंट हो सकता है अगर स्ट्रिंग की लेंथ कम से कम दो हो. अगर स्ट्रिंग की लेंथ दो होगी तो 0 1 यानी सेकंड लोकेशन पे पड़ा हुआ करेक्टर जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग की लेंथ दो से कम होगी तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होंगे. सो इन जनरल हम कहेंगे कि ये केस भी इक्विवेलेंट नहीं है. सो ए बी ये दोनों केसेस, ये भी इक्विवेलेंट था, ये भी इक्विवेलेंट था, लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं है. और इसी तरीके से ये भी इन जनरल इक्विवेलेंट नहीं है. किसी स्पेसिफिक केस में जब स्ट्रिंग की लेंथ दो से ज़्यादा होगी तो इक्विवेलेंट होगा, वरना इक्विवेलेंट नहीं होगा. और द लास्ट केस है एस एट माइनस वन. एस एट माइनस वन का मतलब ये है कि आखिरी कैरेक्टर को एक्सेस करें. हम एक एग्जाम्पल, वही जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने पहले ली थी, दिस वन. सो एस एट माइनस वन हमें क्या देगा, आखिरी कैरेक्टर विच इज यू, राइट. और अगर हम एस प्लस एस माइनस वन करें तो ये हमें क्या देगा, ये स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर लेगा और फिर उसके आखिरी कैरेक्टर को ये एक्सेस करेगा. तो अगर हम सेम स्ट्रिंग को दो बार कंकैटिनेट कर रहे हैं तो उससे भी उसके आखिरी कैरेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो सिमिलरली वी कैन चेक इट हियर, एस एट माइनस वन शुड गिव अस यस यू. एंड इफ वी मेक फॉर एग्जांपल एस प्लस एस, दिस गिव्स अस द सेम स्ट्रिंग ट्वाइस. सो दैट मींस कि अगर हम एस प्लस एस के भी आखिरी कैरेक्टर को एक्सेस करें तो इट विल स्टिल बी यस, यू कैन राइटली गेस इट यू. सो ये केस भी इक्विवेलेंट होगा. सो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ए बी ई इनमें जो दोनों एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं, जबकि सी और डी के केस में ऐसा नहीं है. सी के केस में इक्विवेलेंस नहीं है और डी के केस में इक्विवेलेंस उस सूरत में हो सकती है जब स्ट्रिंग में कम से कम दो कैरेक्टर्स पहले से मौजूद हों, वरना इक्विवेलेंस नहीं होगी. ओके. अब जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग के अंदर अभी सादा इंडेक्सिंग को देखा, इंडेक्सिंग में हम क्या कर रहे थे कि किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को, स्पेसिफिक लोकेशन पर पड़े हुए कैरेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, इसी तरीके से हम स्ट्रिंग के अंदर एक पूरा स्लाइस भी उठा सकते हैं. यानी बजाय इसके
कि सिर्फ एक स्पेसिफिक करेक्टर को एक्सेस किया जाए, एक सीक्वेंस ऑफ, एक सब सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं. सो यू कैन सेलेक्ट अ सब सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रिंग बाय डेजिग्नेटिंग अ स्टार्ट पोजिशन एंड एन एंड पोजिशन. सो हम उसकी स्टार्ट पोजिशन स्पेसिफाई करेंगे और एंड पोजिशन स्पेसिफाई करेंगे. जैसे इंडेक्सिंग में हम सिर्फ एक पोजिशन स्पेसिफाई कर रहे थे, अब हम दो पोजिशन स्पेसिफाई करेंगे, स्टार्ट पोजिशन और एंड पोजिशन. और इस केस में क्या होगा, पाइथन रीड द कैरेक्टर्स पोजिशन स्टार्टिंग एट जीरो. सो दैट इफ वी कंसिडर द स्ट्रिंग यूडेसिटी दैट हैज सेवन कैरेक्टर्स, देर आर सिक्स पोजिशन विद यू बींग द जीरो पोजिशन. सो ये जो हमारी स्ट्रिंग है यूडेसिटी, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात. और लोकेशंस के एड्रेसेस क्या होंगे, जीरो से लेके छः तक, जीरो एक दो तीन चार पाँच और छः, सात कैरेक्टर्स और उनकी पोजीशंस जीरो से लेके छः तक. अब इस स्ट्रिंग के अंदर से अगर हम कोई सब स्ट्रिंग एक्सेस करना चाहते हैं, यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन स्पेसिफाई करके दरमियान में कॉलन से सेपरेशन डाल के ये काम कर सकते हैं. हम इसकी एक मिसाल देखते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है वर्ड, और उसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग हमने स्टोर की हुई है वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम वर्ड रखा है और उसकी जो वैल्यू है वो है अज्यूम, राइट. सो वर्ड ऑफ थ्री अगर हम करें तो वी गेट यू. वाई? बिकॉज इट इज जीरो वन टू थ्री. सो थर्ड इंडेक्स के ऊपर हमारे पास यू पड़ा हुआ है, राइट. सो अगर मैं ये लिखूं, तो मैंने स्टार्ट पोजीशन फोर दी, एंड पोजीशन सिक्स दी और दरमियान में एक कॉलन डाला. इसका मतलब ये है कि मैं स्लाइस एक्सिस्ट एक्सेस करना चाहता हूँ और मुझे स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन के दरमियान में कॉलन डालना है विच सेपरेट्स द स्टार्ट पोजीशन फ्रॉम द एंड पोजीशन. सो दिस इज द स्टार्ट पोजीशन, दिस इज द सेपरेटर एंड द कॉलन एंड दिस इज द एंड पोजीशन. तो हम मैं चाह रहा हूँ कि मैं चार से लेके छः तक जो लोकेशन है उन कैरेक्टर्स को एक्सेस करूँ. तो लोकेशन नंबर फोर पे हमारे पास कौन सा कैरेक्टर है, थ्री पे यू था, जीरो वन टू थ्री. फोर पे क्या है, एम. और फाइव पे क्या है, ई. और सिक्स लोकेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करती. ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस. सो इट एक्सेसेस द कैरेक्टर्स एट लोकेशन फोर एंड फाइव. याद रखिए कि जब हम स्ट्रिंग्स के अंदर से स्लाइसिंग करते हैं या सब स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं स्टार्ट और एंड पोजीशन को स्पेसिफाई करके, तो जो एंड पोजीशन होती है उससे पहले तक के कैरेक्टर्स एक्सेस होते हैं. यानी इसमें चार और पाँच, ये दो लोकेशंस एक्सेस होंगी, छः के ऊपर जो कैरेक्टर है वो एक्सेस नहीं होगा. इस केस में छः पे लोकेशन पे कैरेक्टर है भी नहीं. इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ वन थ्री, सो लोकेशन वन के ऊपर क्या है, एस, राइट. और वन और उसके बाद टू पे क्या है, अगेन एस. थ्री पे क्या है, यू, राइट. इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, वी गेट एस एंड एस ओनली. यानी लोकेशन वन और लोकेशन टू के ऊपर जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने एक्सेस किए, थ्री के ऊपर जो पड़ा हुआ कैरेक्टर है वो हम एक्सेस नहीं कर पाए. सो स्टार्ट पोजिशन से एंड पोजिशन से एक पहले तक का कैरेक्टर पाइथन आपको एक्सेस करके, पाइथन का इंटरप्रेटर आपको एक्सेस करके देता है. जो एंड लोकेशन होती है वो इटसेल्फ उसमें इंक्लूडेड नहीं होती, बल्कि उससे एक लोकेशन पहले तक की कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट. ओके, अब इसमें एक वेरिएशन और है, लाइक इफ वी ओके फर्स्ट करें, मैं फोर, मैंने फोर टू सिक्स लिखा था तो मेरे पास एम और ई आया था. फर्स्ट करें, मैं फोर लिखता हूँ उसके बाद कॉलन लिखता हूँ और एंड लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करता. चले मैं चार की बजाय तीन लिख देता हूँ
और मैं एंड लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करता। तो इस केस में क्या होता है, जब आप एंड लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते, सिर्फ स्टार्ट लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं, तो वो स्टार्ट लोकेशन से लेके स्ट्रिंग के एंड तक जितने कैरेक्टर्स हैं वो आपको रिटर्न कर देता है। सो इस केस में हम 3 से स्टार्ट कर रहे थे, लोकेशन नंबर 3 पे हमारे पास कैरेक्टर था यू, और चूंकि हमने कॉलन के बाद एंड लोकेशन स्पेसिफाई नहीं की तो उसने यू से ऑनवर्ड्स जितने कैरेक्टर थे वो सारे के सारे हमें डिस्प्ले कर दिए। इसी तरीके से अगर मैं स्टार्ट लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करता और एंड लोकेशन स्पेसिफाई कर देता हूँ, तो स्टार्ट लोकेशन जब स्पेसिफाई नहीं करते तो स्ट्रिंग के 0th लोकेशन से स्टार्ट कर लेता है। तो इस केस में 0, 1, 2, 3, क्योंकि 4 एंड लोकेशन है और एंड लोकेशन खुद इसमें शामिल नहीं होती, तो ये 0, 1, 2, 3 यानी ASSU ये हमें इसे रिटर्न करना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट वी गेट आउट ऑफ इट, राइट। सो हम स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं, उस सूरत में स्टार्ट लोकेशन से लेके एंड लोकेशन से एक कैरेक्टर पहले तक के कैरेक्टर्स हमें मिल जाते हैं। इसी तरीके से हम स्टार्ट लोकेशन अगर स्पेसिफाई करें और एंड लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, तो स्टार्ट लोकेशन से लेके स्ट्रिंग के आखिर तक जितने कैरेक्टर हैं वो हमें मिल जाते हैं। और अगर हम स्टार्ट लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते, सिर्फ एंड लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं, तो उस सूरत में स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से लेके यानी 0th लोकेशन से लेके जो एंड लोकेशन से एक पहले तक का कैरेक्टर है वो हमें मिल जाता है। और इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होती है कि हम दोनों ही लोकेशन स्पेसिफाई ना करें, लाइक इस केस में हमने वर्ड और आगे स्क्वायर ब्रैकेट डाली हैं, उनमें कॉलन लिखा है, लेकिन ना स्टार्ट लोकेशन बताई है ना एंड लोकेशन बताई है।